देखो यार फिर तुसी कहना तुहाडा भरा तुहानू वेखो जे कुछ कहंदा है ठीक है, अगर बूटे नू गुस्सा आएगा तो बूटा गालां कड्डूगा ही ना, बूटा हुण इहदा नहीं कहेगा यार की हुण मैं गलत नहीं कर सकता चौधरी हुण मैं की करां। फिर देखो जी हुण लास्ट वीडियो जे की होया मैं हुण अगर तुहानू दसांगा तो फिर तुसी भी मैनू कुछ कहोगे ठीक है, फिर मैं भी तुहाडे बारे कुछ ऐसी गल करांगा ये तुहानू भी कुछ होएगा यार इन्हें की गल कही है, तो फिर मैनू भी होएगा यार मैं तुहाडे बारे आ गल कही। देखो जी तुसी मेरे वेखण वाले जी मेरे भरा जी ठीक है मेरी ऑडियंस जी, देखो जी तुसी अपने ही बंदे जी, अगर तुसी अपने ही बंदे तुहानू मारन दे तुहानू पता है फिर ज़्यादा दुख हुंदा है, अगर बगाने मारन दे फिर यार केरी इन्नी परवाह हुंदी, बगाने नाल डायरेक्टली मारना हुंदा ते जिहड़े अपने नहीं होण तां वेखो अंदरों अंदरों मार दिंदे। यार पिछली वीडियो जी इहो मैं तुहानू यार कहा सी 5 लाइक करना तुसी 10 लाइक कर दिओ, यार यकीन करो कि गल ना इत्थे इत्थे ऐ ना जिहड़ी आ के इतने लगती थी, तो फिर यार भी होंगे कि यार मैं कि बंदे रह रहा, लेकिन यकीन करो यार मैंने इन्नी खुशी हुई, इन्नी खुशी हुई यार इन कभी मैंने मतलब कि कभी भी नहीं हुई, मैंने अपने फोन लैन भी नहीं हुई, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने भी नहीं हुई, जिन्ना चंगा तुम्हें मैंने रिस्पॉन्स किया है, फिर दिल तो इन्हें दिल तो आवाज़ा निकलियाँ, दिल तो यार आवाज़ आई एक भाइयों का शुक्रिया था लाजमी करना, तो यार बहुत चंगी मेरी ऑडियंस है, पता नहीं तुम इन्नी दूसरे को इन्ना अच्छा फीडबैक देंगे या नहीं, लेकिन जिन्ना चंगा फीडबैक मैंने मिलता मैं मेरी वीडियोज़ मेरे हिसाब से मैं यार तुहाडे तो बहुत मुतमिन हां, तुम मेरे भरावां वाला प्यार करते, बहुत बहुत तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हूँ बहुता आप अगला तुम्हें दसने कि जरा अपना आने वाला अगली वीडियो का टॉपिक है वो भी तुम्हें दसने की किस चीज़ रिलेटेड है, बेसिकली ए अपनी लगी है मक्की, तो मक्की का तुम्हें दस दी पिछले कोई एक नुक्स हो गया, नुक्स की होया वो तुम्हें अगली आने वाली वीडियो दस जाएगा, तो उन्हें वास्ते स्टे ट्यून्ड रहिएगा। ए वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। दरअसल मेरे ये हफ्ते पेपर चल रहे थे एग्जाम से मेरे मिट के, क्योंकि जब मेरे फाइनल हुए थे तब मैंने आपको बताया था, जो मैंने बताया था वही वीडियो जो मेरी थी वो वायरल गई थी, उसके बाद फिर हमारा जो फाइनल स्टार्ट हुआ था, फाइनल के बाद जो नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तब मैंने वीडियोज बनाई थी, अगर आपको वो वीडियो नहीं अभी तक देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उधर से जाकर आप इजिली वो वीडियो देख सकते हैं, और एंड स्क्रीन सबसे लास्ट पे जाके वो वीडियोज भी आपको मिल जाएगी, आप उधर से भी वॉच कर सकते हैं। अब हमारे पेपर हो रहे थे और इस बार मेरी तैयारी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो चूंकि अच्छी नहीं थी मैं जो अपनी व्लॉगिंग है वो कंटिन्यू नहीं रख सका, एक लास्ट टाइम व्लॉग डाला था जिसका माशाल्लाह काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, जिसका मैंने ऑलरेडी आपके साथ जिक्र किया हुआ है ठीक है, भी हम आज आखिरी पेपर था इसके बाद आज फ्री हो गए ठीक है, आज फ्राइडे का दिन है और ये व्लॉग भी शायद अपलोड होते होते एक आधा दिन लग जाए, सोचा आपके साथ शेयर करूँ, आपके साथ एक्टिविटी शेयर कर दूंगी ना कि आपका भाई क्या मतलब कि मर्शर तो नहीं गया जिंदा ही ना, मतलब कि अपना सर्वाइवर होने का सबूत भी तो देना ना आराम ठीक है, आज दोबारा स्टार्ट किया और कल इंशाल्लाह आपको मक्की से रिलेटेड कल कुछ बताऊंगा, उसके अलावा हमारे जो गंदम है गंदम से रिलेटेड भी कुछ बताऊंगा, और गंदम का जो पूरा एक अच्छा सा खासा व्लॉग आएगा वो भी थोड़ी देर तक आएगा, उसका मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ, जब गंदम पक जाएगी उसके बाद उसको सेल किया जाएगा, तो वो पूरा एक होल प्रोसेस जो आपको 20 25 30 मिनट की वीडियो में आपको पूरा दिखाया जाएगा, तो इसलिए मैं उसका भी इंतजार कर रहा हूँ कि गंदम हमारी कब बनेगी। तो लोगों का माइंड भी एक सवाल होती है यार शोएब भाई आप हर बार ही अपने जो है कैंपस लाइफ के बारे में डिस्कशन करते हैं, अपने कैंपस लाइफ को विजिट करवाते हैं ठीक है, आपके पेपर्स होना स्टार्ट हो गए, आप किस तरह शुगर लगाते हैं, हाँ इस तरह का मैं बता रहा हूँ, इस बार मेरी कोई अच्छी खासी तैयारी नहीं थी जिसकी वजह से मेरा उन चीज़ों की तरफ इस बार ध्यान नहीं गया, आल तो मैं बनाना चाह रहा था और मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड शॉर्ट हैं, चूंकि बहुत ज़्यादा लिमिटेड शॉर्ट हैं तो मेरा अभी जहन नहीं है उनको अपलोड करने का, लेकिन अगर मेरा जहन बना तो मैं वाइट भी उन्हें भी जो है एडजस्ट वगैरह ऊपर नीचे कहीं पर भी करके तो उन्हें अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और आपको भी दिखाऊंगा कि हम तो ऐसे शुगर लगाते रहे हैं, फूड नहीं किया लेकिन शुगर लगे हैं ठीक है, आप ये ना समझ लेना कि बस यार पेपर आ गए हैं तो बस पेपर नहीं मौत आ गई है ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था, चिल सीन था लेकिन शूट नहीं कर पाया जो सीधी सी बात थी। तो यार जो चीज़ मैंने आपको कल दिखानी थी तो मैंने अभी वही सोच रहा हूँ इधर, क्योंकि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मक्के के खेत के पास है, मैंने सोचा यार जो चीज़ आपको कल दिखानी है वो वाई नॉट मैं आज दिखा दूँ, क्योंकि कल भी दिखानी दिखानी है और भी दिखानी दिखानी है, अगर मैंने कल भी दिखानी है तो आज मैंने मौत पेंदी भी थी आज ही दिखा देना, आज भी मैं करना तो वैसे कुछ नहीं वेला ही जहाँ, मैंने कहा चलो यार तुम खा लेना, अभी मैं मक्के के खेत में आ गया हूँ, अब मक्के के खेत में आने की जो रीज़न थी बेसिकली वो क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ, बता रहा हूँ ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है ठीक है, आप लोगों को पता ना चाहिए छोटी छोटी बातें, आज तो आप लोग जिम्मेदार नहीं है वट एवर जो भी कुछ भी नहीं है ठीक है, तुहाडा किसी खूह खाते च भले नाम नहीं भी है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि मैंने लगता है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ये बेसिकली मक्की है, तो मक्की में लास्ट टाइम हमने जो डबल डबल दे जो जर वगैरह उखारी थी ताकि ये जो है डिस्टर्बेंस ना और जो एक जो है ये पौधा अच्छा बने, वो जो लास्ट टाइम हमने उखारे थे वो दोबारा से ये देखे दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट हो रहे हैं विच इज़ लाइक नॉट अ गुड थिंग, तो जो हमारी मेहनत थी लाइक हमने वहाँ से लेकर तो हम गए थे सीधा वो एंड तक, और जहाँ तक गए थे वहाँ तक हमने वो मतलब कि अनरूट सारा करते गए करते गए करते गए, एस्टिमेट हमें एक दिन लगा था और लास्ट में हमने कहा था कि हम 4 प्लॉट कवर करेंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक प्लॉट भी नहीं कवर हो पाया, बल्कि एक हो गया था एग्जैक्टली भी जो है दूसरा नहीं कवर हो पाया और तीसरा भी नहीं हो पाया चौथा भी नहीं हो पाया ठीक है, आल दो जब पहले दिन ये सारा हमने उखा लिया काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी, जब दूसरे दिन हम मतलब कि यही तो काम वही दोबारा स्टार्ट किया अनप्लगिंग का, तो क्या देखते हैं कि जब पहले वाले के पास गए तो वो जो चीज़ थी वो इतनी तेज़ी से दोबारा ग्रो होना स्टार्ट हो गई थी शायद एक दिन बाद या शायद दो दिन बाद, मुझे माइट भी अभी एग्जैक्टली नहीं याद, मुझे ये जुनेद ने बताया था क्योंकि
तब मेरे पेपर स्टार्ट होते, चूंकि मेरे पेपर स्टार्ट होते तो मैं फिर इधर नहीं आ सका, ठीक है, जुनेद ने मुझे बताया था, तो ये काम नहीं सही। तो उसके बाद हमने जो आगे के हमारे 3-4 प्लॉट थे इन पे जो वो हमने अनरूटिंग करनी थी वो मैंने छोड़ दी। रूडी होती है लेकिन जिस तरह से हम कर रहे थे लाइक उसके बाद एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे कि वो दोबारा बनेगा, लेकिन बन गया। तो अब क्या कर सकते हैं, इसका कोई हल तीसरा चौथा मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ये हमने पहली बार लगाई है, अभी मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था, ठीक है, अगर आपने वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा और उसका आपको एंड स्क्रीन पे वीडियो ये देख के एंड पे जाके वो वीडियो का लिंक भी मिलेगा, आप वो भी देख सकते हैं। देखो जी मैं भजदा भजदा जाना पे आया, तेरे कार है भाई ये अपनी फसल खराब कर देने, तो आप इन्होंने बजाने पे हैं, ये भरे भाई काकी है कहा देने, ये जरे हंधे ने तीले पड़ देने, वो तो बीनू खराब कर देने, जिस वजह तो मैं फिर इन्होंने जाके भजाना हो जाता है काकी आवा लाजमी हुश 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 ये भाई जरे कहा देने कहा जो आगे फसल दे बेंदे ने ते फसल दे जरे दाने वगैरह होंगे ने या फसल होंगी उन्होंने डैमेज कर दी। जो आप स्टार्टिंग लाई दी ना कोई भी चीज़, ठीक है, गंदम हो गया भले झोना हो गया, झोने तो इन्ना नहीं होता क्योंकि झोना होंगे लम्मा उन्होंने किमें पट लेंगे, ठीक है, छटे वाली कोई चीज़ होंगी कोई बीज वगैरह इनू ज़्यादातर जो होंगे कवे कबूतर जिन्होंने डालियाँ कहें या चिड़िया इलां वगैरह नहीं आदि इलां तहजीब वाली होंगे ने उन्होंने जो शौक होंगे ने उचले लैवल के होंगे ने उन्होंने जरा शशका होंगे थोड़ा उच्चा होंगे वो कावं तरह हर जगह पर नहीं पैदा तो कबूतर भी अपनी मर्जी के मुताबिक जितों दाना मिलते चुक लेंगे या नहीं तो भी नवाब होंगे ने, ठीक है, तो बहुत जरा काम खराब कर देने वो कर देने कां कवे। सबसे अच्छी और प्यारी बात आपको ये बताता हूँ कि ये पिछले रमज़ान में लगे थे और जब ये मैंने लगाए थे तब मुझे इसकी उम्मीद थी ये बन जाएंगे, जब मुझे इसकी उम्मीद थी ये बन जाएंगे तब ये बने नहीं है, ठीक है, और उसके मेरा ख्याल है कोई चार पाँच ये तो मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया है, कोई 6-7 महीने बाद मुझे इनकी ग्रोथ ना थोड़ी थोड़ी, मैं इधर चल रहा था वॉक कर रहा था क्योंकि मेरी आदत है कि खाना खाने के बाद आकर ना वॉक करना, ठीक है, आदत है, एक अच्छी चीज़ है, आदतें होनी चाहिए। तो जब मैं वॉक कर रहा था तो मैंने देखा यार ये खजूरें ना निकली हुई नज़र आ रही है, तो जब मुझे पता लगा ये निकलना स्टार्ट हो गई है, आज तो मुझे यकीन नहीं था कभी ये निकलेगी, मुझे लग रहा था कि अब ये निकलने का कोई चांस नहीं है, तो जब ये निकलना स्टार्ट हो गई तो मैंने इधर आके फिर इनको प्रॉपर केयर किया, मैं इनका जो घास वगैरह है वो खा देता हूँ जो साइड पर होता है, और उसके अलावा आज मैंने इसे दोबारा पानी लगाया और अब मैं इसकी अच्छी से देखभाल कर रहा हूँ। अभी रमज़ान में आने में कोई एस्टिमेट 1 माह के पास टाइम है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि पिछले रमज़ान लगाया था और जिसकी उम्मीद नहीं थी वो होगा वो हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 साल होने वाला है, 1 साल में इसकी ये ग्रोथ हुई है। आल्दो इसकी ग्रोथ इतनी कोई खास नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है, लेकिन मुझे जो उम्मीद थी ना ये अब नहीं बने के वो उम्मीद खत्म होगी और अब ये बनने, ठीक है, कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशन ऐसी होती हैं जो कि आपको लग रहा होता है कि अब ये कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन आल्दो वो कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको उसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही क्लियर होता है और पॉजिटिव होता है, बहुत आपका अच्छा रिएक्शन होता है। आज तो वैसे मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और सामने ये जो गजरें वगैरह लगी हुई थी वो वगैरह अगर आप विजिट करवाता हूँ अभी पास जाके, तो जो गजरें वगैरह थी वो अभी हमने जो डेली बेसिस पे गाजरें खा के मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आल्दो उसका जो ऊपर वाला चारा था जिसको हम कहते हैं कि ऊपर वाला जो इसका था ना हिस्सा जिसे हम पट्टे कहते हैं वो काट लिए गए, पट्टे भी कह सकते हैं या इसका कह लो कि जो ऊपर वाला हरा चारा था वो काट लिया गया है। ऊपर से हरा चारा काटने के बाद सिर्फ अभी नीचे गाजरें लगी हैं, वो इसलिए लगी हुई हैं ताकि ये जब जरूरत होगी तो डायरेक्टली ये इधर से उखाड़ ली जाएंगी और जो चारा है उसको बार बार अलहदा नहीं किया जाएगा। हमने दरअसल चारा जो है इस तरह काट लिया, तो इस तरह से काम आसान होता है, इस तरह लाइक एक बार वो आपने कहीं से टप्पा मारना है और उसके बाद फौरन से गाजर निकालेंगे। जो दूसरा तरीका था उससे ये था कि आप उखाड़ो, उखाड़ने के बाद फिर आप उस पर अलहदा से जो ऊपर काट काट के सेपरेट सेपरेट करो एक एक पीस, तो वो भी एक टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग हो जाता है, तो इसलिए ये जो हमने काम करना बेहतर समझा है। ये देखिए अभी हम हवेली में, तो हवेली में आए हैं, तो ये दुनिया जो है भैंस के नीचे ये कट्टी का छोड़ा हुआ जानवर के लिए दूध पी रहा है, ठीक है, उसके अलावा ये नसीर जो है अपना ये दूध जो है भैंस का दो रहे हैं, पंजाबी की स्लैंग में हम कहते हैं मज चोने पे, ये तो आपको मैं कह रहा हूँ कि दूध दो रहे हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ इलम हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ना हो कि आपको सूखा सूखा पता लगे और उसके बाद आपको जो है पता ही ना लगे ये हो क्या रहा है। नहीं नहीं कम नहीं नसीर है, मैं ना कम नहीं करने, अगर तो लागी भी है पता कि मैं हाचे मोबाइल फिर देता मतलब मुने नहीं गा कैमरे के आगे, तो कुछ भी कहेगा तो जे मेरे वेखने वाले ने कह दे यार शिफ्ट ना लिया होंगे कैमरे तो बाद, तो मेरा भरा तो इवें ना करेगा करेगा सीधी मुँह ही करते पे, जो मन अच मैं कैमरा खोल ही की लिया तुम मेरे सारे पिछे पै गए जे कि मारी गल है यार मजा फिर नाराज होंगे यार वेखो माशाल्लाह दूध चो रहे ने, ठीक है, तो ए नसीर का तरीका बड़ा रही है जो लत्त च रख के आया गरबा पुछल मारी जा मेरे, तो ए भाई जे मज अपन मक्खियां भी आपे मोर लेंदी सानू मेहनत नहीं करनी पैंती, तो ए मैं दसना पा नसीर का तरीका बड़ा रही है
तरीका ही दसना पा कि माजी ने मैंने पुछल मारी सीधी आके मेरे मुंह से वजी डिगू के मैं थले होकर मैं आने पुछल जो ना सीधी आके इतने वजी ठा करके। तो ये अभी जो है जुनेद है उनकी बारी आ गई तो वो अपना काम करने लगे हैं और ये नसीर इधर से फारिग हो गए हैं और ये जुनेद माशाल्लाह चलने लगे। माशाल्लाह लाजमी करना ठीक है, माशाल्लाह 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 जी। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि नसीर की तरह डीट होते हैं तो उन्हें ये बांध कर जो है चवाई की जाती है। अभी इसको बांध रहे हैं। अब बांधने का ये तरीका होता है कि इसलिए बांधते तरीका नहीं, तरीका तो ये होता है जो नसीर करें, लेकिन बांधने की रीज़न ये होती है कि ये जब टांगी ना हिलाए, अगर टांगी हिलाएंगी तो ये जो ये वाला दूध है ये गिर जाएगा नीचे, ज़ाया होगा। तो ये देखें हम जो है भैंस को थोड़ा सा डरावा देंगे ताकि ये हिले ना, और जब ये हिलेगी नहीं तो फिर नसीर जो है आसानी हो जाएगी इसको दूध चुनने में। मौसम माशाल्लाह काफ़ी रोमांचक रोमांचक मौसम है। आप उधर का व्यू देख लें और आप इधर का व्यू देख लें, कौन सा ज़्यादा रियल लग रहा है आपको, आप ये भी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी जो है राय का इजहार कर सकते हैं। आल्दो नसीर जो है तंग होगा इससे, ये देखें आप कोई ना कोई एक्शन करना चाह रही है, इसका इरादा है कि ये मेरे साथ कुछ करे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहूँगा। ऐ वेखो जी गरवा परिकलोता है नसीर ते, हुण मज हिलदी पई हिलदी पई हिलदी पई, मज नू पई सुकून नहीं गा ते नसीर नू मैं क्या ध्यान कर गरवा बदलना ही पज 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 पज। तो ये जो है कुछ तो दूध है वो दूसरा जनेद को देने गए, उस गरवे में डाल दिया जाएगा और बाकी फिर नसीर आके इधर से जो है दोबारा एक्सट्रैक्शन कर ली जाएगी दूध की, क्योंकि दूध अभी है तो ये नसीर वापस आ गया। ब्रो ब्रो कम हेयर कम हेयर कम हेयर कम हेयर कम, जल्दी बह बह, चो 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 चो। बंदा पूछे तो इन्हें दुध डलवाना किया वेला, दूजा गरवा नहीं लिया सकता तो इन्हें जी वेलो तरदा मारी जा रहा। ठीक है मैं तुम्हें पहले क्या है मज दे ते जिहड़े है नसीर दे दोवां दे काम इको वर्गे ने, रले मिले ऐ नहीं है कि मज बहुता भुरक दी है तो नसीर दे कोई खरकना सही नहीं है, एवें दी गल भी नहीं है। इधर वेखो जी हूँ अगला जा छड़ दिता गया। बेसिकली जो छोटे जानवर होंगे ने इन्हों पंजाबी दी जुबान च कही जा, जा मीनस वो बछड़ा जो कि जानवर होता है भैंस का। नहीं 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 चौंक की वारी मेरी नहीं, एडा कोई मेरे से जुलम ना करो, मैं कि अज कैमरा खोलता तो कसम खादी कि अज तंग करना ही करना है मैनू। नहीं कोई लिमिट होंगी है, कोई एथिक्स होंगे ने, कोई तरीका होंगे है। अगले बंदे की तुम शान के खिलाफ गल कर दे, कोई थोड़ा बहुत तहजीब होनी चाहिए ना, तुम अगले बंद मतलब कि फार ही लिया उस टाइम ही छोड़ो कि जो निकल जाएगा कबेली तो बाद जो आपे मगरों लगेगा। फॉलोवर नहीं मिलेंगे, मैं कल तो फिर वेली दे नहीं आवांगा, यह कम हो सकता है। तो ये देखें जी ये अभी दूध नहीं आया इनके जो थनों में निपल्स में, और जबकि ये जानवर लगा हुआ है, जब दूध आ जाएगा तो जानवर भी पी लेगा और जो है जानवर को भी खींच लिया जाएगा, जब जानवर दूध पी लेगा उसके बाद जो बाकी दूध होगा वो इस गरवे में जो है चवाई उसकी कर ली जाएगी। ये अब जो है जानवर ने दूध पी ली है और ये मेरे पास जो है बर्तन है जिसपे अभी दूध की चवाई होगी, और इसके जो है थन, बेसिकली इसको पंजाबी की जुबान में कहते हैं थन, और ये आप निपल देख लें दो दिन में आया हुआ है। ठीक है अब निकाल के दिखाऊँ आपको, ये आपको निपल नज़र आ रहा है और ये भैंस है। तो चलो भी चोला तू थोड़ा ये पीछा हो गया, थोड़ा ये पीछा सिर का अपना सर। चल है भाई मैंने जबरदस्ती बिठाया ना, मेरा कोई जेल नहीं सी है बहन का, मैं वेली जे की आई गया इन्होंने कसम खाधी मैंने कल तो वेली नहीं, एक बंदा रोटी खाता है पर अगले बंदे ने थोड़ा मारनी चाहिए कि नहीं मारनी चाहिए। हूँ तू आने इतने वीडियो बनाना है, अभी मजा चाहे पैसे तो तेन चला मार लें। ए भाई पीलिया जो है दूध खाली कर ले हूँ आप जो अगले थाने इन्हें जो खाली करना। फ्लैशबैक पेपर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये भाई पेपर नहीं आता, सुबह सुबह एक दूसरे से पूछे हुए। ये देखे भी सारी क्लास में बच्चे उज़ैर के अलावा सारे मुतमिन है, उज़ैर को पेपर नहीं आता और उज़ैर चाहता है कि पूछना लोन बाई डिस्कशन करते भी पेपर से अकॉर्डिंग काशी जी लगता मशूक भज गई है वेले बैठे रहे। और ये आपका भाई जिसको कि पेपर आज बिल्कुल नहीं आता लेकिन इंशाल्लाह अच्छा पेपर करेंगे। नहीं गल पेपर नहीं आता, नहीं 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 इधर ओले में रोल लगा यार बटे तेरे मुंह नहीं को नहीं।
यार सही गल है, पेपर माड़ा मोटा आता, बेटा खास भी नहीं आता। बट्टू के आसरे बैठे हूं, तू पेपर करा देगा तो पेपर हो जाएगा। ये तो भाई पेपर नहीं आता, बट्टू यार करा दी ब्राह हो। तो देखो यार, जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी आई, यू नो। और अब आप समझ गए होंगे मेरी बात का मतलब, स्टोरेज इशू आईफोन यूज़र। तो इसी के साथ आज का व्लॉग वाइंड अप करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।